तेरा क्या हुआ बेटा? अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ चाची जा, उनकी रहमत कितनी वसी है चाची जा। जो इंसान को नाकामी के दलदल में पहुंचने से पहले ही नवाज देती है। तो सब ठीक है, लेकिन पता तो चले हुआ क्या है? मुझे नौकरी मिल गई और बहुत अच्छा पैकेज भी मिला है, साथ उन्होंने घर भी अलॉट किया है। सच? अरे या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है बेटा। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है अन्ना, मैं तो हिम्मत हार चुकी थी। तुम देखना बेटा, मैं तुम्हारे लिए दिन रात दुआएं करूंगी और इंशाल्लाह से तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिलेगी। आओ ऐसा करते हैं कि जल्दी से अल्लाह के हुजूर शुक्राने के नफिल अदा करते हैं। जी या अल्लाह, तेरा एहसान है मालिक, शुक्र है। It's a big French fry, छोले इतने big French fry। सुनो ऐसा करो कि जाके गाड़ी से इसका दूध बना के खाना क्यों नहीं खा रहे? पसंद नहीं है तो कुछ और मंगवा लो। नहीं मेरे मूड में, इतनी छोटी सी बात पे मूड स्पॉइल करने की क्या जरूरत? छोटी सी बात क्या कर रही हो? ये मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, कमी इज्जत की कोई चीज ही नहीं है तुम में। सारे के सारे मेरे कपड़े खराब हो गए, सारा ऑयल कपड़ों में लग गया और आप कह रहे हैं कि मूड क्यों खराब है? जो भी है, लेकिन छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह बात नहीं करते। मेरा इतना महंगा सूट, सारा ऑयल लग गया फ्रेंच फ्राइज का और आप मुझे कह रहे हैं कि तरीका नहीं है? मैंने खरीद के दिया ना, तुमने अपनी जेब से तो नहीं खरीदा जो इतनी तकलीफ हो रही है? अब अपनी खरीदी हुई चीजों का ताना भी देंगे मुझे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कपड़े और आ जाएंगे, तुम अपना रवैया ठीक करो इसके साथ। क्यों? बच्ची को सही गलत ना समझाए, सिखाए ना उसको? प्यार से समझाने और डांटने में बहुत फर्क होता है, जो मेरे ख्याल है तुम भूल गई। इसीलिए कहा था कि नहीं लेके आए, लेकिन आपको ये शौक होता है कि हर वक्त उसको हर जगह साथ लेके चले। You know what? You are right. हमें आना ही नहीं चाहिए था। Let's go home. Come on, baby. Come, come, come. सज्जल, सज्जल ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ, चलो ना मेरे साथ नाश्ता कर लो। नींद आ रही है मुझे, प्लीज सोने चाहिए। चलो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज उठो। चल सज्जल, उठो ना। क्या है, लेट हो रहे तो मैं क्या करूँ? नौकरानी नहीं हूँ आपकी जो सुबह सवेरे आपके सामने खड़ी हो जाऊँ आपके काम करने के लिए। सोने दे, मुझे नींद आ रही है। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मैंने कहा ना मुझे सोने दे, नींद आ रही है मुझे। हेलो। अब तक नाराज हो? क्यों, नहीं होना चाहिए। जो आपने मेरी इंसल्ट की है वो भी इतनी छोटी सी बात पर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची से इस तरह बात नहीं करती है। तो मैं सारा दिन उसको संभालती हूँ, अगर डांट भी दिया थोड़ा सा, इतना भी हक नहीं है मेरा।
साबित कर दिया ना कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती। मेरा ये मतलब नहीं था। Anyways, I'm sorry. मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तंग आ गए हैं तो बता दें, मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लेती हूँ। ईरानी हूँ जो आपका ये रवैया बर्दाश्त करूंगी मैं। दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। लेकिन तुम बात बात पर जाने की बात मत किया करो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बताएं क्यों फोन किया? शाम को एक पार्टी पे जाना है, तैयार रहना। किसकी पार्टी? सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर की। हमारी कंपनी उनसे कुछ शेयर्स खरीदना चाह रही है। अगर ये कोलैबोरेशन हो गया तो हमारी लॉटरी निकल आएगी। कोशिश तो की है डील फाइनल करने की, उसी सिलसिले में जाना। बस मैं चाहता हूँ कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। ओके, लिसन, आई लव यू। मिस एहराब अभी तक घर नहीं गई? मैम बस थोड़ा सा काम रह गया था, मैंने सोचा एक ही बार काम निपटा के फिर घर जाऊं। आज हमारे क्लाइंट बहुत खुश होकर यहाँ से गए। इनफैक्ट चंद महीनों में पहले आपने जितना दिल लगा के काम किया है, इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। मैम मैं तो बस पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने टास्क कम्प्लीट कर रही हूँ और कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। थैंक यू मैम। क्या हुआ, आपने नए घर शिफ्ट नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो प्लीज शेयर करें। वो दरअसल उस घर के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। चची जान भी वहीं रहती हैं। बस इसी वजह से मैम थोड़ा सा डिले करी थी और बात कोई नहीं। I see, as you wish. मैं भी देखता हूँ शहीद अहमद का लेवल हटने के बाद तुम कौन सा तीर चला लोगे। शहीद प्लीज, मुझे अभी भी वक्त है तुम्हारे। अगर इतना ही प्यार है अपनी औलाद से तो चुपचाप इज्जत से रोज कर। शहीद आप गलत थे। आपसे मिलने से पहले भी मेरी एक पहचान थी और वो अब भी कायम है। आपके साथ थे, मुझे बहुत कुछ वक्त के लिए सुनहरे दिन जरूर दिखाए, मगर दुखों का ना मिटने वाला समंदर भी दिया। मगर आपका दिया कोई दुख मेरी इज्जत और नफ्स, मेरी खुददारी और वकार का सौदा नहीं कर पाया। यूटर्न लेके उस दुकान पे रोकिएगा। सलाम बीबी, कैसी हैं आप? बड़े दिन बाद चक्कर लगाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में कोई है? कोई नहीं है बीबी। शहीर साहब और सज्जल बीबी एक पार्टी में गए।
रात को देर से आएंगे। और मेरी बेटी फातिमा? वो घर पर है, आप मिलना चाहती हैं तो मिलना, किसी को पता नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच करमदाद भाई, शुक्रिया, थैंक यू। जी आप कौन? मैं फातिमा की माँ हूँ। मुझे 5 मिनट अकेले दे सकते हैं इसके साथ? जी जरूर। आपकी मामा आई है। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। देखो मामा आपके लिए गिफ्ट लेके आई है। बर्थडे पे आपकी मामा आपको विश करने आई है। आपको अल्लाह ताला दुनिया जहान की खुशियां नसीब करे। कभी भी कोई परेशानी कोई तकलीफ आपके पास आके आपको छुए नहीं। मामा आपसे बहुत प्यार करती है, आपको बहुत मिस करती है। बस आपसे थोड़ा सा दूर है, पर दूर होके भी अपनी फातिमा को हर वक्त याद करती है। आप कभी अपनी मामा से नाराज नहीं होना, उनसे बदगुमान नहीं होना। वो मजबूर है इसलिए वो आपसे दूर है। आपसे दूर होके भी वो हर वक्त आपके पास होना चाहती है फातिमा। मामा लव्स यू। हैप्पी बर्थडे। Shaheer, welcome. I'm so glad to see you. बहुत अच्छा लगा कि तुम आए। Pleasure is all mine. वैसे भी अब तो उमर भर का साथ है। बिजनेस के साथ साथ तुम्हारे खलूस से भी बहुत मुतासिर हो। Thank you. Thank you. तुमने मेरी पार्टी में आकर महफिल की रौनक बढ़ा दी। Thank you. Thank you. कैसे ना आता? तुम मोहब्बत से जो बुलाया था। इनका तारुफ नहीं करवाया आपने? सुल्तान, दिस इज सजल, माय गर्लफ्रेंड सजल सुल्तान, केमिकल इंडस्ट्रीज के टाइकून, आजकल स्टॉक्स में बस इन्हीं का नाम है। बहुत तारीफ कर दी आपने मेरी। एनीवे सजल, इट्स रियली नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाइस टू मीट यू टू। वैसे ही किसी की तारीफ नहीं करी, आजकल आपकी काफी तारीफ कर रहे। क्यों, आपकी भी कभी नहीं की? वैसे आप किसी तारीफ के मोहताज हैं नहीं। एनीवे, एंजॉय योर ड्रिंक्स एंड एंजॉय द पार्टी। आई विल सी यू गाइस इन अ व्हाइल। या थैंक यू। शहीर, आपने सुल्तान खान को ये क्यों कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ? इसलिए कि यहाँ सबको पता है इरहा मेरी बीवी है। So, excuse me.
Hi, Shahid. How are you? Good to see you. मैंने तो कहा था तुम्हें किसी दिन टकरा जाऊंगी, और देख लो. अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख. किसी दिन फ्री हो तो लंच करते हैं साथ. तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकती, लेकिन आज नहीं. आज मैं सुल्तान खान की गेस्ट हूँ. जानता हूँ, दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी हुआ करती. वो तो तुम भी जरा सा रंग रूप क्या देख लिया, अपनी बीवी की वफा भूल के साली पर लटू हो गए. I'll see you. I noticed you didn't eat anything. कुछ लाऊं आपके लिए? No, thank you. मैं खुद कुछ ले लूंगा. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. I do hope we meet again. शर्मिंदा क्यों कह रहे हैं आप? तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और खूबसूरत भी. शहीर ने तुम्हें देख के दिल हार देना ही था. एनीवे, आजकल क्या मसरूफियात हैं शहीर की गर्लफ्रेंड होने के अलावा? जी, शहीर का बिजनेस में साथ क्यों नहीं देती? शहीर को पसंद नहीं. बहुत तेज है, सब जानते हैं कब किसका किस तरह से इस्तेमाल करना. ही इज वेरी शार्प. विल यू हैव कॉफी विद मी? जरूर, शहीर जब भी फ्री होंगे तो हम प्लान बना लेंगे. शहीर के साथ नहीं, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है. मुझे तो हैरत है कि शहीर ने तुम जैसी लड़की को घर की चार दीवारी में कैद करके रखा हुआ है. तुम तो वो हो जिसको जमाने की हर आंख को सराहना चाहिए. यू प्रोबेबली डोंट नो व्हाट योर वर्थ इज. मैं आपकी बात समझी नहीं है. वक्त आने पर सब समझ जाओगी. बट आई एम होपिंग टू सी यू अगेन. वाकई तुम्हारे सितारे अरूज पर हैं, वरना तुम शतरंज मुझसे कभी जीत नहीं सकते थे. मेरी किस्मत शुरू से ही तेज है. मिट्टी को हाथ लगाऊं तो सोना बन जाती है. पहले की बात कुछ और थी. सारे शहर में शहीर अहमद का चर्चा था, लेकिन अब वो भी तुमसे पार्टनरशिप करने के लिए बेचैन दिखाई दे रहा है. तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि वो तुम्हारे कदमों में बैठा हुआ है? यूं समझ लें कि शहीर अहमद को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत सालों की मेहनत लगी. बहुत एरोगेंट था, नंबर वन रहने का जुनून, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता था. लेकिन अब मैं उसको ऐसे बर्बाद करूंगा कि उसको खुद भी पता नहीं चलेगा कि उसकी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है. सुल्तान खान, शहीर अहमद को हराना इतना आसान नहीं है. ये सब गुजरी हुई बातें. अब शहीर के घर के और बिजनेस के हालात काफी नाजुक हैं. अब वो खुद को चाह के भी नहीं बचा सकता. सुल्तान, सज्जल मेरी भी तो बात सुन लो. सुनने को बाकी क्या रह गया? इंसल्ट तो आप मेरी करा ही चुके गर्लफ्रेंड बुलाकर. तो जो हो वही कहूंगा ना. तो इस रिश्ते को नाम क्यों नहीं देते? बेनाम क्यों रखा है? तुम जानती हो मेरे लिए मुमकिन नहीं है. तो फिर मुझे भी आइंदा कहीं आने की जरूरत नहीं है आपके साथ. रोज रोज की इंसल्ट से मैं तंग आ चुकी. आपको पता है किस निगाहों से मुझे देख रहे थे लोग? कहना आ रही थी मुझे अपने आप से. खामखा बात को बढ़ावा दे रही हो.
सो गई? जी बीबी जी। ये सब क्या, कौन लेके आया? बीबी जी ये सब इरहा बीबी लेकर आई थी। इरहा लेके आई थी? उसकी जुर्रत कैसी हुई इस घर में आने की, और तुमने उसको अंदर कैसे आने दिया? नहीं नहीं बीबी जी, वो घर में नहीं आई थी, वो दरवाजे से ये सब दे के चली गई। तो तुमने ये सब कुछ लिया क्यों नहीं, मुंह पे क्यों नहीं मारा उसके? क्या बात है, ना गुस्सा क्यों कर रही हो? आपने इस औरत की हिम्मत देखी? ये देखे, ये क्या लेके आई? उसकी जुर्रत कैसे हुई इस घर में आने की? क्या साबित करना चाहती है कि उसको अपनी बच्ची से मोहब्बत है? हाँ, इरहा यहाँ आई थी? जी साहब जी, मैं बता रही हूँ ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप उसको मना कर दें कि वो इस घर में नहीं आ सकती। अगर वो इस घर में कदम रखेगी तो मैं उसको धक्के देके निकालूंगी। और तुम भी मेरी बात सुन लो कान खोल के, वो आइंदा इस घर में कदम नहीं रख सकती। जी कम ऑन सज्जन, वो उसकी माँ है, वो जब चाहे से मिलने आ सकती। माँ थी तो छोड़ के क्यों गई? साथ ले जाती ना, साबित क्या करना चाहती है? ये मत भूलो कि उसे घर से निकालने का और फातिमा को यहाँ रखने का फैसला मेरा। आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या कहना चाह रहे हो, उसको वापस बुलाना चाह रहे हैं आप? तुम बहुत गलत बात कर रही हो। सच हमेशा कड़वा होता है। और तुम उठाओ इस सारे सामान, बाहर देखो। कोई सामान कहीं नहीं लेके जाएगा, इसकी माँ लेकर आई है। ये हक रखती है कि सामान अपने पास रखे। ये क्या कह रहे हैं, उस औरत को फेवर कर रहे हैं जो? मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ जा। वो औरत इस घर पे नहीं आ सकती, कह दिया तो कह दिया। बैठो। That's fantastic news. Great. सुल्तान से मीटिंग फिक्स करवाओ मेरी। वो तो ठीक है सर, लेकिन एक बार फिर सोच लें, क्या हमें यूं अचानक से उनके शेयर्स खरीदने चाहिए? क्यों नहीं खरीदने चाहिए? शेयर्स लो पे लेके हाई पे बेचेंगे तभी तो अपने लॉसेस पूरे करेंगे आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा वेट कर लेते। सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सबका रिकॉर्ड कुछ बहुत ज्यादा मुतासर कर नहीं है सर। देखो पहले की बात और है, लेकिन इस वक्त मार्केट में उनकी कंपनी की स्टैंडिंग बहुत अच्छी है। शहर के सारे बिजनेस में से उनके शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, और हमारी तो खुशकिस्मती हमें वो मौका खुद दे रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ सर, हमारे पास बैकअप में कुछ भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। रिस्क तो लेना पड़ेगा ना नुमान, और कौन से पहली बार है, हमेशा से यही कर लें। कंपनी के हालात कभी ऐसे हुए भी नहीं सर पहले, इसीलिए तो रिस्क ले रहा हूँ। चाहता हूँ कंपनी के अच्छे दिन फिर से लौट आए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ये डील फाइनल हो। सो गेट द मीटिंग फिक्स्ड। सर वो मिस अरहा के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, उसका क्या करना है? वो मैंने लॉयर से बात कर ली, ही लुक इन टू इट। तुम ये मीटिंग पे फोकस करो, ओके? आई वॉन्ट इट डन। ओके। कल रात में जिंदगी में पहली बार मुझे शहीर अहमद पर रश कर। वो किस लिए? कमबख्त है किस्मत का धनी, हर दौर में उसे एक से एक हसीन औरत का साथ मिला है, लेकिन इस बार तो कमाल हो गया। वो लड़की नहीं कोई जादू है, कोई जादू। वो चाहे जितने भी जादू जगा ले, शहीर अहमद को जब कभी भी ज्यादा हसीन चेहरा नजर आएगा वो उसकी जाना पड़ जाएगा। वो कभी किसी से वफा नहीं करता। ऐसी लड़की के साथ कौन काफिर किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही नशा है, और उसको पाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। हो सकता है, लेकिन इस बार जो उसे लड़की मिली है वो कुछ अलग सी। देखते हैं
इस बार कुछ अलग होगा या विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? ठीक है, अगर ऐसा है तो हम भी खेल के देख लेते हैं। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? सुल्तान बात कर रहा हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है सजल, और मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया है नंबर तुम अपनी सी बात। फोन किस लिए किया? तुम्हारे साथ कॉफी पीने की ख्वाहिश मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैंने अभी तक शहीद से बात नहीं की है। तो उसने तुम्हें कैद करके रखा हुआ है जो तुम उसकी मर्जी के बगैर कहीं आ जा नहीं सकते। Very sad. ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ी भी नहीं चाहिए। तुम कौन सा उसकी बीवी हो जो वो तुम पर हुक्म चलाए? तुम जहीन हो, खूबसूरत हो, अपने आप को बेजा पाबंदियों में जकड़ना नहीं चाहिए। तुम घर में कैद होने के लिए नहीं बनी हो, बल्कि तुम तो वो हीरा हो जिसको हर आंख की सताइश मिलनी चाहिए। सो आर यू कमिंग? किस लिए? कुछ डिस्कस करना है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। कहाँ मिलने? I'll send you the location. कल मिलते हैं। टेक केयर। मुझे जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। हाँ, शहीर का रवैया दिन ब दिन मेरे साथ बहुत बदलता जा रहा है। आखिर पता तो चले सुल्तान के पास मेरे लिए क्या प्रपोजल है। Hey Sajal, how are you? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम कहीं बाहर भी मिल सकते थे, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बाहर मिलना मुनासिब नहीं था, अगर कोई देख लेता तो तुम शहीर को क्या जवाब देती? और अपने घर खास लोगों को ही बुलाता। अच्छा, मैं आपके लिए कब से खास हो गई? जब से तुम्हें देखा है, मिला हूँ तुमसे। और सुल्तान खान किसी पे एक बार नजर डाल ले तो वो इंसान आम नहीं रहता। Impressive. Please, please have a seat. Thank you. Impressive तो तुम हो सजल। मुझे ऐसी ही bold और confident लड़की की तलाश थी। वैसे यहाँ पे आने से पहले मैं काफी घबरा रही थी। सोचा कि मिलूं कि ना मिलूं। Oh come on, अब तुम कोई छोटी सी लड़की तो हो नहीं 16 साल की जो इतना घबरा रही हो। और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे फायदे के लिए बुलाया है। You're in the company of Sultan Khan. So please. Just relax. यहाँ पे आके मुझे ना फायदा तो दिख रहा है, अब कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ। मुझे पता था कि तुम्हें यहाँ आके तुम्हारी इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा जो कि शहीर तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तो क्या इस मीटिंग का खास मकसद सिर्फ मुझसे मिलना था? तुम जैसी हसीन लड़की को पार्टनर बनाने के लिए सुल्तान खान कुछ भी कर सकता है। पार्टनर्स? यस, अब हम बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे। यही मकसद था इस मीटिंग का। जब से तुमसे मिला हूं मैं एक ही बात सोच रहा हूं कि तुमने शहीर अहमद जैसे आदमी में क्या देखा। तुम्हें एक से एक चाहने वाला आदमी मिल सकता था, लेकिन शादीशुदा बहन हुई है क्यों? ये काफी पर्सनल मैटर है मेरा। मैं कम ऑन यार, अब हम बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं।
कैसी पर्दाधारी जो ऐसी बातें कर रही है? वैसे भी मैं ताल्लुकदारी में किसी फॉर्मेलिटी का कायल नहीं हूं। आपको कैसे पता क्या रिश्ता है मेरा शहर के साथ? पूरी बिजनेस कम्युनिटी जानती है। इनफैक्ट लोगों का तो ये भी कहना है कि जब से शहीद ने अपनी बीवी को छोड़ा है उसे नुकसान पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। शायद बेगम की आंख लग गई। ऐसी कोई बात नहीं है, उस दोनों में बस अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई एंड दैट्स इट। ओ तो वो तुम्हें ये कहकर बेवकूफ बना रहा है। मैं समझी नहीं आपकी बात। सर खाना तैयार है। ठीक है तुम जाओ प्लीज। What I meant to say was कि तुम एक बहुत शरीफ और भोली भाली लड़की। You don't know what your worth is. इसलिए शहीर अहमद तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम्हें बेवकूफ बना। वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मेरा फायदा कैसे उठा सकता है? हाँ, मोहब्बत। शहीर सिर्फ बिजनेस करना जानता है, उसे मोहब्बत की अलिफ बे नहीं पता। जो आदमी अपनी बेटी की माँ का ख्याल नहीं रख सकता वो मोहब्बत क्या करेगा? आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? Have a seat. आइए। जरा सोचो, अपने बारे में सोचो। शहीर बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाला है। एट द मोस्ट ही हैज 2 to 3 days टू सर्वाइव। इसलिए वो मेरे बिजनेस के शेयर्स खरीदने की कोशिश कर। सो दैट इज व्हाई वी शुड बी बिजनेस पार्टनर्स। हमें बनना चाहिए बिजनेस पार्टनर। आप मुझसे खुल के क्यों नहीं बात कर रहे, मुझे बताएं तो। Excuse me. जमील साहब, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं, जो भी बोलना है जल्दी बोल दो। 50 crore से कम नहीं हो सकेंगे। जी मुझे कोई एतराज नहीं। Why don't you set up a meeting with them and then let me know, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। सॉरी अबाउट दैट। आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी के साथ भी इन्वेस्ट कर लेते? हम तो 2 को 2 से ज़र्ब देके 8 करने वाले लोग हैं। खिदमत कर रहे हैं लोगों की, अल्लाह दे रहा है और हम बांट रहे। तो फिर क्या मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे आप? अब वैसे मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट हैव टू बी माई पार्टनर, दैट्स इट। थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। ओह डोंट वरी, तुम मुझे दुआएं दोगी सारी जिंदगी। तो फिर क्या मैं पेपर्स लेके जा सकती हूँ घर? ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, लेकिन तुम्हें फायदा ही होगा मेरे साथ पार्टनरशिप। प्लीज अब खाना तो शुरू करो प्लीज। थैंक यू। दिस इज फॉर Small gift from me for you. ये क्या है? ये हमारी दोस्ती के नाम। तुम इसे पहनोगी तो उसकी कीमत बढ़ जाए। नहीं नहीं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती। And please, I want you to have it. मैं चाहता हूँ तुम मेरा मान रख लो।
वैसे भी कहते हैं कि तोहफे देने से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती है। थैंक यू, आपकी दोस्ती पर गुरूर हो रहा है मुझे। अब तुम शहीर अहमद की नहीं सुल्तान खान की पार्टनर बनना चाह रही हो, तो मगरूर होना तो बनता है। वैसे भी उस आदमी ने तुम्हें अपना पार्टनर बनाने के लायक समझाई। थैंक यू सो मच इतना सब कुछ करने के लिए। ये सब मैं अपने लिए भी कर रहा हूं। वो कैसे? कुछ पुराना हिसाब किताब है मेरा शहीर अहमद के साथ। तुम मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है? अगर कर भी रहे हैं तो यहाँ सब अपना फायदा देख रहे हैं। अगर मेरा भी फायदा है तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। साहब किधर है? सर खाने के टेबल पर। अच्छा हाय सुल्तान। हाय ज़ोया, हाउ आर यू? क्या हाल है? आप कौन? ये मेरी फ्रेंड है। सच सच क्यों नहीं बताते? मैं शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, जिस पर तुम्हारी तरह वो कभी जान देता था। व्हाट? झूठ है ये सब। झूठ नहीं है, वो हकीकत है जो ना तुम जानती हो और ना ही उसकी बीवी है रहा। लेकिन तुम्हें तो मैंने देखते ही समझ लिया था, हर खूबसूरत औरत उसकी कमजोरी है। कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कुछ हकायक बताने आई हूं, जिससे तुम जैसी कम अक्ल लड़की की आंखें खुल जाए। कैसे हकायक? वो बातें जो शहीर ने तुमसे छुपाई हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? शहीर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, क्यों मलगरा रही हो मुझे? हाँ, कोई बदला लेना चाहती हो उससे? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? बहुत भोली हो, भोली हो, वरना अपनी बहन का घर क्यों तोड़ती? तुम्हारी तरह की मोहब्बत के दावे उसने कभी मेरे साथ भी किए थे, लेकिन उसने ना मुझसे शादी की और ना ही वफा। शादी उसने इरा जैसी बावफा लड़की से की, लेकिन वफा नहीं कर सका। तुम बदला लेने आई हो ताकि तुम्हारी बातों में आके मैं शहीर को छोड़ दूं, है ना? मैं अपनी बर्बादी के बाद तुम्हें सिर्फ एक बात करने आई हूँ, संभल जाओ। जिस परिंदे को हर डाल पर मंडलाने की आदत हो, वो वफा नहीं कर सकता। तो क्या गारंटी है कि वो किसी और के लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। शहीर ने मुझसे वादा किया। उसकी फितरत में ही बेवफाई है, तुम किससे उम्मीदें लगा बैठी? खैर, मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि अगर अब शहीर को मेरा पता चल जाता है तो मुझे उसका कोई डर नहीं। सुनो, कुछ देर रुक सकती हो? जो शहीर के मुतालिक और कुछ बता सकती हो? इतना कुछ बता सकती हूँ जो शहीर अहमद खुद भी अपने बारे में नहीं जानते। बता।